हेलो एवरीवन, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू स्वा एजुकेशन. माई सेल्फ राधा. और आज हम लोग FSSAI का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 42 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं. फर्दर उसके आगे के क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे हम लोग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आर टुडेज लेक्चर. सो प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था वो फॉस्फेटिडाइल कोहेलिन से रिलेटेड किया था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था दैट जो फॉस्फेटिडाइल कोहेलिन है उसको लेसेथिन के नाम से भी जाना जाता है, और वो एक नेचुरल इमल्सीफायर होता है जो एग योक और सोयाबीन में पाया जाता है, एज वेल एज अमाइनो ग्रुप और कोहेलिन ग्रुप का कॉम्बिनेशन होता है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू बेनिफिट ऑफ कंज्यूमिंग अ डाइट रिच इन डाइट्री फाइबर. सो क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि अगर हम लोग डाइट्री फाइबर रिच डाइट कंज्यूम करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, और कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं. हम लोगों को बेनिफिट बताना है डाइट्री फाइबर का चूज करके कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. सो डाइट्री फाइबर क्या होता है? डाइट्री फाइबर जनरली जो प्लांट फूड होते हैं, फ्रूट या वेजिटेबल से ऑब्टेन होता है. डाइट्री फाइबर को रफेज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि प्लांट के पार्ट्स को इंक्लूड करता है, जिसको हमारा बॉडी कंप्लीटली डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलन से होता हुआ वो बॉडी से बाहर पास आउट कर दिया जाता है. सो डाइट्री फाइबर को कॉमनली दो क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है. एक होता है सोल्यूबल डाइट्री फाइबर, अनदर वन इज इनसोल्यूबल डाइट्री फाइबर. सोल्यूबल डाइट्री फाइबर, जैसा नाम में दिया गया है, सोल्यूबल मीन्स वाटर में डिजोल्व हो सकता है, और वाटर में डिजोल्व होने के बाद में जेल लाइक मटेरियल फॉर्म करेगा. सोल्यूबल डाइट्री फाइबर का क्या बेनिफिट होता है कंज्यूम करने का? ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को रिड्यूस करने का काम करता है, कम करने का काम करता है, एज वेल एज ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखता है, कंट्रोल करके रखेगा ब्लड शुगर लेवल को. किस तरीके से? जो सोल्यूबल फाइबर होते हैं वो शुगर के एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे हेल्प फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ब्लड शुगर लेवल. सेकेंड होते हैं इनसोल्यूबल डाइट्री फाइबर. इनसोल्यूबल डाइट्री फाइबर मेनली कहाँ पर काम करते हैं? ये डाइजेशन में काम करते हैं, कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंशन करवाते हैं, एज वेल एज बाउल मूवमेंट में हेल्प करते हैं. जो सोल्यूबल डाइट्री फाइबर है वो मेनली ओट्स, पीज, सिट्रस फ्रूट, कैरेट, इन सब से ऑब्टेन किया जा सकता है, और इनसोल्यूबल डाइट्री फाइबर को मेनली हम लोग होल व्हीट फ्लावर से, नट से, बीन से, और वेजिटेबल लाइक कॉलीफ्लावर, ग्रीन बीन, पटेटोस, ये गुड सोर्स हैं इनसोल्यूबल डाइट्री फाइबर के. सो ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया गया है दैट जो डाइट्री फाइबर होते हैं वो बाउल मूवमेंट को इम्प्रूव करते हैं, मेनली इनसोल्यूबल डाइट्री फाइबर. सो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. सेकेंड दिया गया है इंक्रीज बाइल एसिड एक्सक्रीशन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. लोअर कोलेस्ट्रॉल एंड इम्प्रूव ग्लूकोज टॉलरेंस, सो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करना और ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करके रखना या कंट्रोल करके रखना, ये भी डाइट्री फाइबर करते हैं, मेनली सोल्यूबल डाइट्री फाइबर. फोर्थ यहाँ पर दिया गया है रिटेन वाटर एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन. सो कौन हेल्प करता है? इनसोल्यूबल डाइट्री फाइबर जो हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं और कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंशन के लिए काम करते हैं. सो इस चारों के चारों ऑप्शन इसमें करेक्ट दिए गए हैं. सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड. फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंट कंजम्पशन ऑफ दीज फूड कैन प्रीडिस्पोज अ पर्सन टू लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीज. अगर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का कॉन्टिन्यूसली कंजम्पशन किया जाए
सो वो इंडिविजुअल डिसीज से सफ़र करेगा। और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को, इसमें मेनली रेडी टू ईट फूड जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। और जो रेडी टू ईट फूड होते हैं इनमें बहुत सारे एडिटिव या इंग्रेडिएंट को इसमें ऐड किया जाता है ताकि उनका प्रिजर्वेशन या शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके और उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। सो सेकेंड ऑप्शन यहाँ बोला गया है, मैनी इंग्रेडिएंट एंड एडिटिव मे बी एडिड टू प्रिजर्व एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कि जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनमें कुछ एडिटिव ऐड किए जाते हैं ताकि उनके क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। सो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। दे मे हैव नो रिजेंबलेंस टू ओरिजिनल फूड। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का रिजेंबलेंस ओरिजिनल फूड के साथ नहीं होता। क्यों? क्योंकि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को कई बार प्रोसेसिंग की जाती है। दे आर रेडी टू ईट ओब्लिक हीट एंड ईट और रेडी टू सर्व लाइक पैकेज्ड फूड, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो चारों स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। सो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू INS फॉर फूड एडिटिव। INS क्या होता है? इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम फॉर फूड एडिटिव। सो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है INS स्टैंड फॉर इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम, सो ये करेक्ट हो जाता है। सेकेंड दिया गया है INS लिस्ट में इंक्लूड एडिटिव दैट हैव नॉट बीन इवेल्यूएटेड बाय GECFA। यानी GECFA ने जिन एडिटिव्स को इवेल्यूएट भी नहीं किया उनको INS में इंक्लूड किया गया है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। INS 330 इज द आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर सिट्रिक एसिड। INS 330 क्या है? सिट्रिक एसिड का आइडेंटिफिकेशन नंबर है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इट इंक्लूड ऑल डाइटेटिक एंड न्यूट्रिटिव एडिटिव, सो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एंड रिमेनिंग 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हीट रेजिस्टेंट ऑफ वेजिटेटिव सेल ऑफ बैक्टीरिया। पहला ऑप्शन यहाँ दिया गया है, बैक्टीरिया विच फॉर्म कैप्सूल आर हार्डर टू किल देन दोज विच डू नॉट फॉर्म। सो मेनली हम लोगों को पता है बैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और इनमें कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग होती हैं, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है? सेल वॉल। और सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कैप्सूल लेयर, जो कि टफ कवरिंग होती है। अब जिन बैक्टीरिया के पास में ये टफ कवरिंग दैट इज कैप्सूल लेयर प्रेजेंट है उनको किल करना आसान होगा एज कंपेयर टू दोज बैक्टीरिया जिनके पास नहीं है, ये स्टेटमेंट बोला गया है, सो दैट इज करेक्ट। सेकेंड यहाँ पर बोला गया है, हायर द ऑप्टिमल और मैक्सिमल टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ग्रेटर द लाइकलीहुड ऑफ बींग हीट रेजिस्टेंट। मीन्स कोई बैक्टीरिया जितने हायर टेम्परेचर पे ग्रो करेगा उतना ही उसका हीट रेजिस्टेंट जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट बोला गया है, सेल हाई इन लिपिड कंटेंट आर इजी टू डिस्ट्रॉय, बट ये इनकरेक्ट हो जाता है। फोर्थ बोला गया है, कोकाई आर यूजली लेस हीट रेजिस्टेंट देन रोड, बट जनरली क्या होता है, कोकाई आर मोर हीट रेजिस्टेंट देन रोड, सो दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट दिया गया है, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द रिसेंट बैन ऑन द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। फर्स्ट वन यहाँ दिया गया है, बैन हैज बीन इम्पोज्ड टू कम्बैट वर्सनिंग पॉल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट। किसी लिए बैन लगाया गया है? ताकि जो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके, दैट इज करेक्ट। सेकेंड बोला गया है, प्लास्टिक बैग विथ थिकनेस लेस देन 120 माइक्रोन टू बी बैन फ्रॉम 31 दिसंबर 2022, दैट इज ऑल्सो करेक्ट।
प्लास्टिक डिस्पोजल जैसे कि कॉटन बड हो गया, आइसक्रीम स्टिक हो गई, इनको भी बैन किया गया है, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। एंड द गवर्नमेंट हैज़ फॉर द टाइम बींग एग्जेम्प्टेड प्लास्टिक बैग फ्रॉम द बैन बट आस्क मैन्युफैक्चरर टू इंक्रीज द थिकनेस, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। सो चारों स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं, इसलिए इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द कंजम्पशन ऑफ प्रपोर्शन ऑफ फूड ग्रुप इंडिकेटेड इन ICMR माई प्लेट फॉर द डे। मीन्स ICMR के अकॉर्डिंग फूड प्रपोर्शन कंजम्पशन के लिए कैसा होना चाहिए। पहला, रिकमेंड वराइटी विद इन ईच फूड ग्रुप टू गेट फाइटो न्यूट्रियट एंड बायो एक्टिव कंपाउंड। मीन्स ICMR ये रिकमेंड करता है दैट जो फूड हम लोग इनटेक करते हैं उसमें फाइटो न्यूट्रियट मीन्स प्लांट से मिलने वाले न्यूट्रियट और बायो एक्टिव कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट हो। सो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड बोला गया है, हेल्प टू प्रिवेंट हिडन हंगर। हिडन हंगर क्या होता है? हिडन हंगर माइक्रो न्यूट्रियट की डिफिशियंसीज अगर प्रेजेंट, अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है अगर किसी इंडिविजुअल में तो उसको हिडन हंगर बोला जाता है। सो हेल्प टू प्रिवेंट हिडन हंगर प्रमोट हेल्थ एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। प्रमोट एम्पल कंजम्पशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस, यानी कि ICMR ये प्रमोट करता है कि एम्पल अमाउंट में फ्रूट और वेजिटेबल जूस को कंज्यूम करना चाहिए इन प्लेस ऑफ होल फ्रूट, यानी साबुत फल को खाने की बजाय हाई अमाउंट में फ्रूट और वेजिटेबल की जूस को कंज्यूम करना चाहिए। सो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। स्पेसिफिकली प्लान टू ट्रीट स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो इसका फर्स्ट और सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट एडवाइस टू गिव टू अ हेल्दी यंग मैन हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू गिव अप स्मोकिंग बट वॉन्ट टू प्रिवेंट NCD। यानी अगर किसी इंडिविजुअल को, मेनली किसी अडल्ट को, अगर स्मोकिंग का हैबिट है, बहुत डिफिकल्टी है, तो उसको क्या एडवाइस करनी चाहिए। पहला, अवॉइड सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट, यानी उसको सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट को अवॉइड कर देना चाहिए क्योंकि ट्रांस फैट क्या करता है, LDL के लेवल को इंक्रीज करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। सो उसको अवॉइड कर देना चाहिए और उसके बजाय अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मेनली मूफा और पूफा को लेना चाहिए। मूफा मीन्स मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा मीन्स पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड बोला गया है, रिड्यूस टोटल अमाउंट ऑफ सिंपल शुगर कंज्यूम, यानी ऐसे इंडिविजुअल को शुगर इंटेक रिड्यूस कर देना चाहिए, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। टेक एम्पल रेस्ट, यानी अगर किसी इंडिविजुअल को स्मोकिंग की हैबिट है और उसको वो छोड़ नहीं पा रहा है, ऐसे इंडिविजुअल को एम्पल अमाउंट में रेस्ट करना चाहिए। सो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। शिफ्ट फ्रॉम स्मोकिंग सिगरेट टू स्मोकलेस टोबैको, यानी ऐसे इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए, जहाँ पर वो सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है उसकी जगह उसको स्मोकलेस टोबैको यूज़ करना चाहिए, सो दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इसलिए इसका फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, सम ऑफ द बेनिफिट ऑफ ट्रेडिशनल मैथड ऑफ फूड प्रिपरेशन। फूड प्रिपरेशन के कुछ ट्रेडिशनल मेथड के नाम दिए गए हैं और इनका क्या बेनिफिट है वो ऑप्शन में दिया गया है। पहला, दे इंक्रीज द डाइजेस्टेबिलिटी ऑफ फूड, ये फूड के डाइजेस्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, करेक्ट। न्यूट्रिटिव वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, एंटी न्यूट्रिएंट के लेवल को रिड्यूस करते हैं और न्यूट्रिएंट के बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। सो चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, विटामिन D2 ऑल्सो नोन एज, विटामिन D2 को एक और नाम से क्या जाना जाता है, एर्गो कैल्सिफेरोल, कम फ्रॉम डैश फूड। सो जो प्लांट से फूड हम लोग ऑब्टेन करते हैं उससे इसको ऑब्टेन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसीज ऑर्गेनिज्म डैश एंड डैश आर ट्रांसमिटेड थ्रू कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड अंडर कुक्ड पोर्क, यानी कौन से वो ऑर्गेनिज्म हैं जो कंटामिनेटेड फूड को कंज्यूम करने की वजह से ट्रांसमिटेड हो सकते हैं।
सो इट्स टेनिया सोलियम एंड ट्राइकिनेला स्पाइरलिस. सो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर FSSAI लेबलिंग रेगुलेशन, FSSAI के लेबलिंग रेगुलेशन के अकॉर्डिंग द टर्म एडेड शुगर नीड टू बी मेंशन ऑन द पैकेज. कितना शुगर ऐड किया गया है या एडेड जो शुगर है वो पैकेज पे मेंशन होना चाहिए. कब? जब मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड को फूड में ऐड किया गया हो. सो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर इज नॉट नीड ऑन अ पैकेज. यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट को मेंशन करना फूड पैकेज पे जिसका शेल्फ लाइफ 7 दिन से ज़्यादा नहीं है नॉट नीडेड बट यूज बाय डेट इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, नियासिन इज सिंथेसाइज इन द बॉडी फ्रॉम असेंशियल अमाइनो एसिड. असेंशियल अमाइनो एसिड यानी जिनकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को है, हम लोग को कंज्यूम करने पड़ेंगे. सो नियासिन जो होता है वो असेंशियल अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज होता है. अबाउट अगर हमारे पास में 60 mg एरोमेटिक अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफेन है सो वो 1 mg नियासिन में कन्वर्ट हो सकता है. सो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 60 mg ऑफ ट्रिप्टोफेन इज कन्वर्टेड टू 1 mg ऑफ नियासिन. नेक्स्ट वन इज एज पर रेगुलेशन मैक्सिमम माइग्रेशन लिमिट ऑफ जिंक इज -mg पर kg फ्रॉम प्लास्टिक मटेरियल इंटेंडेड टू बी इन कॉन्टैक्ट विद आर्टिकल ऑफ फूड. यानी कितना मैक्सिमम माइग्रेशन जिंक लिमिट होना चाहिए. सो इट्स 25 mg पर kg फ्रॉम प्लास्टिक मटेरियल. क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा अमाइनो एसिड है जिसके स्ट्रक्चर में इंडोल रिंग देखने को मिलती है. सो हिस्टिडीन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो इंडोल रिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी. आर्जिनिन में मेनली ग्वानिडिनो रिंग देखने को मिलती है, ट्रिप्टोफेन में इंडोल रिंग देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका ट्रिप्टोफेन आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज फूड डैश इज डिफाइन एज डिकम्पोजिशन एंड डैमेज कॉज टू फूड बाय वेरियस एजेंट मेक इट अनसुटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. जो फूड स्पॉइलेज होगा या स्पॉइल हो चुका होगा ऐसा फूड ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनसुटेबल होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स्पॉइलेज फूड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाइसेकेराइड डैश हैज अल्फा 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ऐसा कौन सा डाइसेकेराइड है जिसमें अल्फा 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलेगी. सो डाइसेकेराइड क्या होता है? दो मोनोसेकेराइड मिलके डाइसेकेराइड बनाते हैं. सो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, आइसोमाल्टोस, लैक्टोस, माल्टोस एंड सुक्रोस. सो ये चारों के चारों डाइसेकेराइड है. अगर यहाँ पर मैं बात करूँ आइसोमाल्टोस के बारे में, सो आइसोमाल्टोस जो है ये सिमिलर होता है माल्टोस के साथ. कैसे? दोनों ही दो ग्लूकोस मोइटी से मिलके बनते हैं. आइसोमाल्टोस भी डाइमर ऑफ ग्लूकोस होता है, यानी दो ग्लूकोस मोइटी मिलती है. ग्लूकोस क्या है? मोनोसेकेराइड है. और अगर दो ग्लूकोस मिल रही है इट मीन्स इट डाइसेकेराइड. आइसोमाल्टोस क्या है? डाइसेकेराइड. सुक्रोज भी डाइमर है ग्लूकोस का, डाइमर ऑफ ग्लूकोस. बट डिफरेंस क्या होता है दोनों? सॉरी, माल्टोस भी क्या है? डाइमर है ग्लूकोस का माल्टोस. सो आइसोमाल्टोस और माल्टोस में सिमिलरिटी होती है ये कि दोनों डाइमर है ग्लूकोस के. बट डिफरेंस कहाँ जाता है? आइसोमाल्टोस में ग्लूकोस और ग्लूकोस के बीच में जो लिंकेज होती है वो यहाँ पर अल्फा 1-6 लिंकेज देखने को मिलती है. और माल्टोस में जो देखने को मिलते हैं ग्लूकोस और ग्लूकोस के बीच में लिंकेज वो अल्फा 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलती है. अगर यहाँ मैं लैक्टोज के बारे में बात करूँ, सो लैक्टोज मेनली किससे मिलके बनती है? लैक्टोज मेनली ग्लूकोस एंड गैलेक्टोज, ये दोनों क्या है? मोनोसेकेराइड है. इन दोनों से मिलके बनती है. और ग्लूकोस और लैक्टोज के बीच में जो बॉन्ड देखने को मिलता है, जो लिंकेज देखने को मिलती है, वो β1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलती है. सुक्रोज भी एक डाइसेकेराइड है. सुक्रोज मेनली किससे मिलके बनता है? ग्लूकोस एंड फ्रक्टोज.
और जो लिंकेज यहाँ देखने को मिलेगी दैट इज अल्फा 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट माल्टोज एक डाइसेकेराइड है जिसमें ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच में अल्फा 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन, अ येलो कलर इन मिल्क इज मोस्टली कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया सुडोमोनास सिंजेंथा एंड फ्लेवोबैक्टीरियम स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ रेडिएशन इज अ ग्रे विच इक्वल टू, सो ग्रे इज इक्वल टू 1 ग्रे इज इक्वल टू 100 रेड्स। सो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सीलिएक डिसीज इज A/N इन विच योर इम्यून सिस्टम रेस्पोंड एबनॉर्मली टू ग्लूटेन। सो सीलिएक डिसीज क्या होती है? सीलिएक डिसीज अगर इसके बारे में मैं बात करूं, सीलिएक डिसीज, सो सीलिएक डिसीज ग्लूटेन के अगेंस्ट जब एबनॉर्मली हमारा बॉडी रिएक्ट करने लग जाए तो उस टाइम पर ये देखने को मिलती है। सो सीलिएक डिसीज एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें इम्यून सिस्टम ग्लूटेन के अगेंस्ट एबनॉर्मली रिएक्ट करता है। ग्लूटेन क्या होता है? ग्लूटेन वीट राई एंड बार्ले, इनमें पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है। सो सीलिएक डिसीज एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या देखने को मिलता है? जब खुद के बॉडी का इम्यून सिस्टम माल फंक्शनिंग करने लग जाए और खुद के बॉडी के टिश्यूज या ऑर्गन को फौरन समझ के उन पर अटैक करने लग जाए, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सो सीलिएक डिसीज में यही कंडीशन देखने को मिलती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इराथ्रिटोल प्रोवाइड -kcal पर ग्राम, सो इराथ्रिटोल प्रोवाइड 1 kcal पर ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड एलर्जीज हैपन व्हेन द बॉडी सिस्टम मिस्टेकनली ट्रीट प्रोटीन फाउंड इन फूड एज अ थ्रेट। सो जब हमारे बॉडी में हम किसी फूड को कंज्यूम करते हैं और हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर ये टारगेट कर ले कि ये फूड जो है ये फॉरेन सब्सटेंस है बॉडी के लिए, सो तब फूड एलर्जीज देखने को मिलते हैं। सो फूड एलर्जीज हैपन व्हेन बॉडी इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली ट्रीट प्रोटीन फाउंड इन फूड एज अ थ्रेट। सो इसका क्या हो जाएगा? इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यीस्ट बिलोंगिंग टू द जीनस डैश कैन कॉज रेड पिंक और येलो कलर्ड स्पॉट ऑन मीट, सो दैट इज रोडोटोरुला। नेक्स्ट, यहां पर एक पैसेज दिया गया है और कुछ क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछे गए हैं। सो पैसेज में क्या दिया गया है? द मैनेजमेंट ऑफ एस्टेब्लिश्ड कॉलेज हैप्पीली एग्रीड टू सर्व मटन ओब्लिक वेजिटेबल बिरयानी रायता ग्रीन चटनी पाइन एप्पल टू ऑल द स्टूडेंट फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशन। यानी कि जो कॉलेज का मैनेजमेंट है, कॉलेज में एनुअल डे सेलिब्रेशन होना है, सो कॉलेज मैनेजमेंट ने इस चीज़ से एग्री कर दिया कि वो एनुअल डे फंक्शन के दिन में ये सारे डिशेज जो हैं स्टूडेंट को सर्व करेंगे। और एनुअल डे सेलिब्रेशन होना था सैटरडे नाइट को, जिसमें ये एक्सपेक्ट किया गया था कि एटलीस्ट 350 स्टूडेंट आके उसको अटेंड करेंगे। और जो कॉलेज का नॉर्मल मैश होता है उसको प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर रन करवाते थे, जिसमें वो 100 बंदों को डेली खाना देते थे। द कॉन्ट्रैक्टर हायर 5 एडिशनल हेल्पर, और उस कॉन्ट्रैक्टर ने 5 एडिशनल हेल्पर को हायर कर लिया क्योंकि एनुअल डे सेलिब्रेशन होना था। एंड स्टार्टेड प्री प्रिपरेशन 2 डेज इन एडवांस, और 2 दिन पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, प्री प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। सैक ऑफ राइस पटेटो ऑनियन एंड टमाटो वर स्टैक्ड ऑन द फ्लोर इन अ कॉर्नर ऑफ द स्मॉल ह्यूमिड किचन। एक छोटे से किचन के कोने में राइस पटेटो ऑनियन टोमेटो इनके जो बोरे थे वो रख दिए गए। वेजिटेबल फॉर वेजिटेबल बिरयानी वर हिप्ड ऑन द फ्लोर एंड द रेफ्रिजरेटर वॉज ऑलरेडी फुल ऑफ पेरिशेबल फूड। रेफ्रिजरेटर ऑलरेडी फूड से फुल ऑफ भरा हुआ था। द पार्ट टाइम हेल्पर फ्रॉम द नियर बाई चोल अराइव ऑन फ्राइडे।
एंड दे वर गिवन एन एप्रोन ईच एंड आस्क टू पील गार्लिक एंड हेल्प विद बेकिंग द केक फॉर द डेजर्ट स्लाइस ओनियन टू बी फ्राइड फॉर बिरयानी. और पार्ट टाइम हेल्पर जो थे वो फ्राइडे को आने थे नियर बाई चोल से, और उनको क्या दिया गया, पहनने के लिए एप्रोन दे दिया गया, कैप वगैरह दे दी गई ताकि जो हेयर्स हैं वो खाने में ना पड़े और फूड कंटामिनेट ना हो. एंड आस्क टू पील गार्लिक एंड हेल्प विद बेकिंग द केक फॉर डेजर्ट, उनको गार्लिक पील ऑफ करने के लिए बोला गया. एंड स्लाइस ओनियन टू बी फ्राइड फॉर बिरयानी. ओनियन हैड अ ब्लैक पाउडरी सब्सटेंस ऑन टू द आउटर पील विच कम ऑन टू देयर एप्रोन. ये देखने को मिला कि ओनियन का जो आउटर पील है उसमें ब्लैक पाउडरी सब्सटेंस देखने को मिल रहा है. मटन हैड अराइव्ड एट नून एंड नीड टू बी मैरिनेटेड फॉर बिरयानी. द कुक वॉज वेटिंग फॉर द कर्ड फॉर मैरिनेटिंग द मटन एंड क्रीम फॉर द डेजर्ट. सो कुक किसका वेट कर रहा था, दही का वेट कर रहा था ताकि वो मैरिनेट कर सके मटन एंड क्रीम फॉर द डेजर्ट. इन द मीन टाइम द मटन वॉज लेफ्ट फॉरगॉटन ऑन टू द किचन काउंटर. इन द मीन टाइम ये देखने को मिला कि जो मटन है वो भूल गए किचन काउंटर में रखा हुआ. रेगुलर असिस्टेंट कुक वॉज बिजी लुकिंग आफ्टर मील फॉर द डे. बाय लेट इवनिंग मटन वॉज मैरिनेटेड. लेट इवनिंग में मटन को मैरिनेट किया गया और जो रेफ्रिजरेटर का टॉप मोस्ट शेल्फ है वहां पर रख दिया गया. पाइनएप्पल स्लाइसेस वर लाइंग इन द लार्ज ओपन कैन इन द रेफ्रिजरेटर डो सिंस 10 days. एंड सिंस मोस्ट प्री प्रिपरेशन वर डन एंड द पार्ट टाइम हेल्पर लेफ्ट फॉर द डे. सो इस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऑल फूड हैंडलर शुड अंडरगो अ मेडिकल चेकअप एंड बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट एंटरी ग्रुप ऑफ डिसीज. सो जितने भी फूड हैंडलर हैं उनको मेडिकल चेकअप के लिए जाना चाहिए और वैक्सीनेट कर देना चाहिए अगेंस्ट एंटरी ग्रुप ऑफ डिसीज. कब, वंस अ ईयर, साल में एक बार ऐसा होना चाहिए. नेक्स्ट यही पैराग्राफ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया है, द मेन पर्पज ऑफ वियरिंग अ शेफ कैप एंड हेड ओवर वाइल वर्किंग इन द किचन इज. जनरली जो शेफ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कैप पहनते हैं, हेड को कवर करके रखते हैं जब वो किचन में काम करते हैं. सो मेन पर्पज क्या होता है इसका, मेन पर्पज यही होता है ताकि जो हेयर फॉलिंग है वो ना देखने को मिले, ताकि फूड में कोई हेयर वगैरह देखने को ना मिले. दैट वॉज द मेन रीजन. सो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टू एब्जॉर्ब स्वेट एंड प्रिवेंट हेयर फ्रॉम फॉलिंग इन टू फूड. नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है पैराग्राफ से रिलेटेड, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट प्रैक्टिस वाइल स्टोरिंग फूड इन द रेफ्रिजरेटर. कि जब भी हम लोग रेफ्रिजरेटर में फूड को स्टोर करके रखें सो किस तरीके से करना चाहिए. पहला ऑप्शन दिया गया है, यूटिलाइज ऑल अवेलेबल स्पेस इन द रेफ्रिजरेटर एंड कीप इट पैक्ड विद फूड टू रिमेन कोल्ड. कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, जितना भी खाली स्पेस है रेफ्रिजरेटर में उसको यूटिलाइज कर लेना चाहिए. टू कूल हॉट फूड क्विकली प्लेस देम इन द रेफ्रिजरेटर. ठंडे खाने को गर्म करके तुरंत उसको फ्रिज में रख देना चाहिए. तीसरा, स्टोर रो नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम ऑन टू द टॉप मोस्ट शेल्फ ऑफ द रेफ्रिजरेटर. कि जो नॉन वेज फूड है उसको जो रेफ्रिजरेटर उसके टॉप मोस्ट में रखना चाहिए. डू नॉट लीव फूड इन ओपन कैन, ट्रांसफर इट टू अनदर कंटेनर विद लिड इमीडिएटली. सो कौन सा करेक्ट वे है, सो फोर्थ वन इज द करेक्ट वे. कि हम लोगों को ओपन फूड में नहीं रखना चाहिए, कैन में ओपनली नहीं रखना चाहिए, उसको कवर करना चाहिए. ट्रांसफर इट टू अनदर कंटेनर विद लिड इमीडिएटली. नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैराग्राफ से रिलेटेड है, दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू क्लोस्ट्रीडियम पर फ्रिंजेस. सो क्लोस्ट्रीडियम पर फ्रिंजेस के लिए यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए उससे रिगार्डिंग, और हम लोग को इनकरेक्ट बताना है. सो क्लोस्ट्रीडियम पर फ्रिंजेस क्या होता है, ये एक ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग एनारोबिक बैक्टीरिया होता है. अनैरोबिक बैक्टीरिया होता है यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये ग्रो करता है. नॉर्मली कहाँ देखने को मिलता है, ये ह्यूमन और एनिमल के इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है. इंटेस्टाइन में
ये मेनली क्या कॉज करता है, ये फूड पॉइजनिंग कॉज करता है जब इसको ज़्यादा अमाउंट में इंटेक कर लिया जाता है फूड के थ्रू। सो कॉमनली ये कहाँ पर देखने को मिलता है, जो फूड कुक किया जा चुका है और उसको लेफ्ट ओवर हम लोगों ने छोड़ दिया है, एज वेल एज जो कॉमन फूड सोर्स होते हैं, मीट हो गया, पोल्ट्री डिशेज हो गए, सूप हो गया, ये सारी चीज जो होते हैं ये मेनली मेन एक कॉज होते हैं इसको ट्रांसमिट करने का। एज वेल एज जो ये बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस इन्फेक्शन जो है ये डायरिया और स्टमक क्रैम्प को विद इन 6 to 24 hours आफ्टर इंजेशन ऑफ फूड ये देखने को मिलता है। सो सिम्टम यूजुअली 6 to 24 hours में देखने को मिलते हैं। सो ये मेनली फूड बोर्न इलनेस कॉज करता है। फूड बोर्न इलनेस में भी ये मेनली डायरिया कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। सो कुछ स्टेटमेंट यहाँ दिए गए हैं, दैट स्पोर आर हीट रेजिस्टेंट, जर्मिनेट इन इनएडिक्वेट रेफ्रिजरेटर लेफ्ट ओवर फूड। सो ये तो हम लोगों ने अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि जो क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस होता है मेनली जो लेफ्ट आउट फूड होता है उसमें देखने को मिलता है। सो ये करेक्ट है। मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व फूड जो होते हैं, मीट होता है, पोल्ट्री डिशेज होते हैं, सूप वगैरह हो जाता है, सॉसेस हो जाते हैं, ग्रेवीज हो जाते हैं, सो ये मोस्ट इन्वॉल्व फूड होते हैं। एंटेरोटॉक्सिन इज रिलीज इन द गट कॉजिंग एंटेराइटिस। ये एंटेरोटॉक्सिन होता है इंटेस्टाइन जो होता है इसमें मेनली देखने को मिलता है। सिम्टम यूजुअली अपीयर 1 to 7 hours आफ्टर इंजेशन ऑफ फूड। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया गया क्योंकि सिम्टम जो है वो यूजुअली 6 to 24 hours आफ्टर इंजेशन ऑफ फूड देखने को मिलते हैं कि डायरिया, स्टमक क्रैम, ये सारे जो सिम्टम्स है आफ्टर 6 to 24 hours ऑफ कंजम्पशन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, ब्लैक मास ऑफ स्पोर ऑन स्मट ऑन आउटर पील ऑफ ऑनियन इज ब्लैक मोल्ड रोट कॉज्ड बाय। जो ब्लैक मास देखने को मिलता है प्याज के ऊपर वो किसकी वजह से होता है, उसको बोला जाता है ब्लैक मोल्ड रोट, जो एक फंगस की वजह से देखने को मिलता है। सो यहाँ पे ये पूछा गया है कि वो मेनली किसकी वजह से यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो मेनली एस्परजिलस नाइगर जो होती है वो इन्वेड करती है पीचेज में, एप्रिकोट में, ऑनियन में, कैबेज में, और ब्लैक रोट मोल्ड रोट जो स्मट डिसीज है वो कॉज करती है। सो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, एस्परजिलस नाइगर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। नेक्स्ट यहाँ पर एक और पैराग्राफ दिया गया है, इट वॉज द डे ऑफ द एनुअल गैदरिंग एट XYZ कॉलेज। ये एनुअल फंक्शन है। द कॉन्ट्रैक्टर वॉज वरी एज ओनली 3 हेल्पर रिपोर्टेड फॉर द वर्क। कॉन्ट्रैक्टर को ये चिंता है कि 3 हेल्पर ने ही रिपोर्ट किया है काम के लिए, बाकी नहीं आए हैं। वन ऑफ द बॉय हु वॉज फीलिंग अनवेल एंड केप्ट रश टू द वॉशरूम वॉज आस्क्ड टू डू लाइट वर्क। वेजिटेबल हैड टू बी कट फॉर वेजिटेबल बिरयानी एंड रायता, राइस हैड टू बी पैरा बॉइल्ड, कोरिएंडर, मिंट लीफ क्लीन एंड पिक्ड, एंड डेजर्ट हैड टू बी मेड एंड चिल्ड। ये सारी चीज़ें तैयार हैं एंड द कुक डिसाइड टू असेंबल टू द डेजर्ट एंड डेकोरेटेड विद फ्रेश क्रीम फर्स्ट। और जो शेफ है उसने ये डिसाइड किया कि सबसे पहले वो क्या करेगा, डेजर्ट को प्रिपेयर करेगा। इट वुड नॉट फिट इन टू द केक बॉक्स। वो डेजर्ट केक बॉक्स में फिट नहीं हो रहा था इसलिए उसने क्या किया, उसको रख दिया ओपन इन द मिडल शेल्फ में, रेफ्रिजरेटर के मिडल शेल्फ में उसको रख दिया। एवरीवन हैड फॉरगेटन अबाउट द कॉरपोरेशन वाटर वर्क रिपेयर शेड्यूल दैट डे। देयर वर बारले इनफ वॉश टू वॉश द राइस एंड वेजिटेबल। द वॉटर टैंकर अराइव लेट इन द इवनिंग। वाटर टैंकर लेट इवनिंग में आए, कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द हाइजेनिक आस्पेक्ट। फूड वॉज रेडी जस्ट इन द टाइम फॉर डिनर। माउथ वॉटरिंग विफ ऑफ बिरयानी फिल्ड द एयर एंड द बिरयानी लुक एपेटाइजिंग एंड द कुक हैड स्प्रिंकल येल्लो एंड ग्रीन कलर ऑन द राइस ग्रेन। कुक ने क्या किया, स्प्रिंकल कर दिया ऊपर से येल्लो और ग्रीन कलर राइस ग्रेन में। एंड ओनली 275 पीपल टर्न अप फॉर द इवेंट। नेवर माइंड सेड द ऑर्गेनाइजर, टुमारो बिंग संडे वी विल इन्जॉय द फूड एट लेजर। द रेफ्रिजरेटर वॉज फुल, देयर वॉज नो प्लेस टू कीप लेफ्ट ओवर, सो बिरयानी वॉज लेफ्ट इन द डेगची वेल कवर्ड। तो रेफ्रिजरेटर ऑलरेडी फुल हो गया था, कोई स्पेस था नहीं, बिरयानी को कहाँ पर रख दिया, डेगची को डेगची में रख दिया, वेल कवर्ड कर दिया उसको ओवरनाइट के लिए। इट वॉज वॉर्म एंड सर्व द नेक्स्ट डे, और अगले दिन उसको गर्म करके सर्व कर दिया सब लोगों को।
पीपल इंजॉय द टेस्टी बिरयानी, द रायता वॉज लुकिंग बबली एंड सोर एंड हैज टू बी डिस्कार्डेड। रायते को उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि वो खट्टा हो चुका था। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग टू रीड दैट 50 पीपल सफर फ्रॉम फूड पॉइजनिंग ऑन संडे नाइट। और ये देखने को मिला कि उन्होंने जिस तरीके से हाइजीनिक एस्पेक्ट को साइड में रख के ये फूड प्रिपेयर किया था और उसको खाया था, एज अ रिजल्ट ये देखने को मिला कि 50 लोग संडे नाइट तक फूड पॉइजनिंग से सफ़र कर चुके थे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन दिया गया है, द नॉन परमिटेड ग्रीन कलर यूज इन बिरयानी वॉज। अच्छा, नॉन परमिटेड ग्रीन कलर, नॉन परमिटेड कलर क्या होता है? नॉन परमिटेड कलर वो कलर होते हैं जो ह्यूमन हेल्थ के लिए हैजार्डस होते हैं, डेंजरस होते हैं। सो फास्ट ग्रीन, FCF, टार्ट्राजिन, क्लोरोफिल, ये सारे परमिटेड कलर्स होते हैं। और मैलेचाइट ग्रीन जो है नॉन परमिटेड कलर है। सो नॉन परमिटेड ग्रीन कलर यूज इन बिरयानी वॉज दिस। बाकी जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं सारे परमिटेड कलर हैं। इसी पैराग्राफ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन दिया गया है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द सिचुएशन ऑफ हाउ फूड वॉज प्रिपेयर फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशन। विच वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? देयर वर एडिक्वेट फूड स्टोरेज फैसिलिटी। सो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों ने पैराग्राफ में ही पढ़ा कि वहाँ पर जितना भी फूड प्रिपेयर हुआ था उसको स्टोर करने के लिए फैसिलिटी नहीं थे। रेफ्रिजरेटर ऑलरेडी कवर हो गया था, लेफ्ट ओवर जो बिरयानी था उसको डेगची में रखना पड़ा था जिसके, और अगले दिन उसी को गर्म करके सर्व कर दिया था क्योंकि इनफ वहाँ पर फूड स्टोर करने के लिए फैसिलिटीज़ नहीं थे। सो विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट? देयर वर इन एडिक्वेट फूड स्टोरेज फैसिलिटी, कि वहाँ पर बहुत सारी फूड को स्टोर करने की फैसिलिटीज थी। ये इनकरेक्ट है, देयर वर इन एडिक्वेट फूड स्टोरेज फैसिलिटी। नेक्स्ट, इसी पैराग्राफ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन दिया गया है, द चीफ गेस्ट फॉर्मर इन द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट लैक्टोबैसिलस स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बेसिलस सीरस फूड पॉइजनिंग। सो बेसिलस सीरस क्या होता है? बेसिलस सीरस ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, मेनली ये एरोबिक होता है नेचर में, बट फैकल्टेटिव अनैरोबिक होता है। कभी कभी ये अनैरोबिक के जैसा बिहेव करता है बट मोस्टली ये एरोबिक होता है नेचर में। सो पहला ऑप्शन बोला गया इट इज़ अनैरोबिक बैक्टीरिया, ये एरोबिक बैक्टीरिया होता है, ये फैकल्टेटिव अनैरोबिक होता है, कभी कभार अनैरोबिक कंडीशंस में ये सर्वाइव करता है, अदरवाइज ये एरोबिक बैक्टीरिया होता है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सो बेसिलस सीरस एक ग्राम पॉजिटिव एरोबिक रोड शेप लाइक बैक्टीरिया होता है जिसके पास हीट रेजिस्टेंट एंडोस्पोर फॉर्म करने की एबिलिटी होती है, ये एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है। मेनली ये दो तरीके का फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, पहला इमेटिक टॉक्सिन रिजल्ट इन वोमिटिंग, इसका सिम्टम क्या देखने को मिलता है? वोमिटिंग। और सेकेंड जो टॉक्सिन ये कॉज करता है दैट इज एंटेरोटॉक्सिन, और सिम्टम क्या होगा? डायरिया। सो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट शुड फूड बी रीहीटेड, यानी किस इक्विपमेंट में हम लोग फूड को दोबारा से गर्म करते हैं? सो माइक्रोवेव या ओवन में करते हैं। सो ये करेक्ट हो जाता है। सो यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं इनका यहाँ पर ये मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन है, बट यहाँ पर टेबल प्रोवाइडेड नहीं की गई है यहाँ पर, और बाकी क्वेश्चन हम लोगों ने सारे डिस्कस कर लिए हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो बेनिफिशियल फॉर यू, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोज़। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच।